सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सांचे दरबार के जय ओ त्रिशूल चंद्राय धर महावृषभवाहिनी
माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुक्कुटहृदय महाशक्तिधर नखे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणी नमोस्तुते शङ्खचक्रगदाचार गृहीतपरमायुधे कृषिदवैष्णवीरूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोकमहाचक्रदशोऽभृतमसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंहरूपेण हन्तुं दैत्याङ्कितोद्यमे त्रैलोक्यतारसहित नारायणी नमोस्तुते किरीटिणि महावज्र सहस्रनयनज्वले वृत्रप्राणाय चन्द्र नारायणी नमोस्तुते शिवरूपे स्वरूपेण हतदत्त महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते कषाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डमुण्डमदने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मीलक्ष्मे महाविद्यशब्दमुष्टिसुदध्रुवे महारात्रि महाविद्य नारायणी नमोस्तुते मेले सरस्वती वर भूतभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेश नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ते समन्विते भयस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते हे सत्यवरं सौम्यलोचनत्रयभूषितम् आगुना सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनम् त्रिशूलम् वागुनो भीतभद्रकाली नमोस्तुते इरसि दैत्यभेदांसि त्वने नापूरया जगत् साखण्डापादुनो देवी पाप्यभ्यो नः सुदानिव असुरासिर्वसापङ्कचर्चितस्तकरज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चन्द्रिके त्वां नता वयम् रोगानशेषानपहांसिदुष्टा दृष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां नृपानराणां त्वामाश्रितायाशतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कलनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपेण चर्बहुदात्ममोदिं धृत्वाम्बिके करोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु सकात्वदण्ड्या मम त्वगर्देति महान्धकारे विभ्रामयत्ये तदेव विश्वम् रक्षासि यत्र प्रभिशाचनागा यत्रारयोदासुभराणि यत्र आवारलो यत्र ददाधिमध्ये तत्र सिधा त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वाग्निगाधारयसि विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ते विश्वाशयाय त्वयि भक्तिनम्राः देवेशिरपरिपालयनोभेत नित्यं यथा सुरवधा तरुणैव सद्यः पापानि सर्वजगतां पशमानायाशो उत्पादपादजनिताश्च महापसर्गान् प्रदानां प्रसेदत्वं देवे विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामिले लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदां सुरगणा परं जन्म
गच्छता सम्भणोद्दम्बयच्छामि जगदामुपकारकम् देवाहोचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम् देव्योवाच वैवस्यान्तरे अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भ चैवाण्या भूतस्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाताजशोदा गर्भसम्भवा ततो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिने पुनरप्यतिरोधेन रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यानिष्यामि व्यक्तचित्ताशुदानवान् भक्ष्यन्ताशुतानुग्राव्यजता महासुरान् रक्तानन्दा भविष्यन्ति तानिमेकसमापमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मध्यलोके च मानवाः सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शमभाषिक्या मना वृष्ट्या मनम् भसे मुनिवेशांसुता भूम सम्भविष्यामि राजया तदा शरेण नेत्राणामिरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदा चेति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहा समुद्भवेः भविष्यामि सुराशाकैरादिश्चैत्रान् नारकैः शाकं भवेद्विख्यातं तथा यास्यामहं भवे तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीद्विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमो रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षासे वक्षयिष्यामि मुनिनाम्रायकारणात् सर्वे सोषन्त्यानम्रमूर्तयः भीमायवीतिख्यातं तन्मे नाम भविष्यति योनाख्यत्रैलोके महाभागं करिष्यति राम ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सङ्कर्षत्पदं त्रैलोक्यस्य गाथाय भविष्यामि महासुरम् ब्राह्मणेति मालोका तोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा वादानोक्ता भविष्यति तदा तदावते याहं करिष्यामि सञ्चया ॐ इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम प्रभा तस्याहं सदा बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनम् हे
एतय शन्तिय तत्परं शम्भर शम्भयः अष्टम्यां च चतुर्दश नवम्यां च गजदशः शोषन्ति देव ये भक्ता मम महात्तमोत्तमम् न तेषां दुश्यतं किञ्चित् दुश्यतोत्था न च पदः भविष्यते न दारिद्र्यं न च वेशविरोजनम् शत्रुतो न भयस्तस्य दस्यतो वा न राजतः न शस्ता न गतो रोगा कदाचित् सम्भविष्यते तस्मान्ममेतन्माहात्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं सस्तयनहितात् उपसर्गानुशेषान्तो महामारे समद्भवान् महात्म्यं शमयन्म यत्रे सम्यक् नित्यमाय मम सदानात्यमोक्षामे सा नित्यं तत्र मे स्थितम् भवे प्रदाने पूजायामग्निकाय महोत्सवे सर्वं महेतच्चरितम् उच्चार्यं शाद्यमेव च जानता जानता वापि परिपूर्णां तदाकृताम् स्वदेशिष्याम्यहमेत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यामेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाभागाभिर्मोक्ता धनधान्यश्रुतान्वितः मनुष्यामत्प्रसादेन भविष्यतेन संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तदा क्रोधत्या शुभाः पराक्रमं च योद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं जान्ते कल्याणं च अवबध्यते नन्दते च कुलम्बो समाहाग्रममशर्मताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःसम्प्रदर्शने ग्रहपीरादुराग्रादो महाकर्षणयान्म उपसर्गाशमं जाते ग्रहपीरा च दारुणाः दुःसवनं च निर्दृष्टं सुसवनामुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदजनयामयत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं वरम् रक्षाभूतपिशाचानापतनादेवनाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पागधोपेश गन्धदेवै सदातमैः विप्राणां भोजने वामै प्रोक्षणीयैहर्निशम् अन्ये च विविधे भोगै तदानेवसरेणया वीर्ते मे क्रियते सासंसाक्य सोचरते श्रुते शुरं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्म दुश्चदैत्यान्यवर्हणम् तस्मै च्युते वैरिकृतं भयमोतां न जायते युष्माभिस्तुतयो राच याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृता सासु बृहच्छन्देशपामले अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्ने परिवारितः शून्य गृहे द्वावापिशत्रुभिः शैलराज्ञानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाक्यक्त मध्य बन्धगाभिः आघोणितो वा वातेन द्विधा पोदे महाधवे अधस्तो चाभिशस्त्रेषु सङ्ग्रामे विषदारुणे सर्वाभागासु घोरासु वेदनाभ्यसितोऽपिवा सर्वमैतच्चरितं नरामुच्चेत शङ्करा मम प्रभावाधिराध्यादस्य वो वैरिणसा दूरादेव पलायन्ते स्मरस्तश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा
पश्यतामेव देवानां तत्र वातरधेयत हे विदेवानिरातङ्का स्वाधिकारं यथा पुरा यज्ञमागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतादयः दैत्याशदेव्यानत शुम्भदेवरिपयुधि यद्वंसनेतस्मिन्महाक्रेतुलविक्रमे यशुम्भे च महावीर्य शेषा पादालमाययोः एवं भगवती देवी सानित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् हरेन्मोय देवेश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सायाजिकाय विज्ञानं तुष्टारित्यं प्रयच्छति व्याप्तं दैतसकलं ब्रह्माण्डं मनजेश्वर महाकाल्य महाकाले महामारि स्वरूपया सेवकाले महामारि सेवसृष्टिर्भवत्या श्रीं करोति भूतानां सेवकाले सनातनी भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मी वृद्धि कृता गृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशाय भजायते सदा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रा च मतिं कर्मे गतिं शुभा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिवावाच शृणो देवे प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका शास्त्रमुत्तमम् येन मङ्गप्रभावेण चण्डे जापः शुभ भवेत् ना कवचं नारला स्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकम् न सूत्रम् नापि ध्यानम् च नान्यासो निजवाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयानेव पार्वती मारणं मोहनं वर्षं स्तम्भरोचाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच ॐ गौं हौं क्लीं जौं स्वाहा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच ज्वल हं सं लं शं वत् स्वाहा नमस्ते रुद्रलोपेण नमस्ते मधुमर्जने नमः जयतमहारिण्ये नमस्ते महिषासने नमस्ते शुम्भहन्त्रे चाजुशुम्भासुरघातने जागृतं हे महादेवे जपं सिद्धं करिष्व मे हेङ्कारे सृष्टिरूपाय हेङ्कारे प्रतिपालिका हेङ्कारे कामरूपेण बीजरूपे चामुण्डा चण्डधारे च यैकारे वरदायने विच्य चाभरा नित्यं नमस्ते मन्दरूपिणे भां भीं भूं धुजटे पद्मे भां भीं भूं भागरेश्वरे क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवे क्षां श्रीं शुमे शुभं कुरु हुं 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 काररूपिण्यै जं 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 भनाजिने ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवाने नमो नमः अङ्कं चं तं तं पं यं शं भीं धूं ऐं भीं हं शं दिहाग्रं दिहाग्रं प्रोचय प्रोचय हेतं कुरु कुरु स्वाहा ो पार्वते पुना काङ्के सों गजरे तथा कांसे सों सप्तशरे देव्या मन्त्रसिद्धङ्गुरुष्व मे हिरं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयागर्दिहे तवे अभक्तेनैव दातव्यं कोपिदं रक्ष पार्वते यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतं पठेत् न
श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यासी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। इस स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आप नमस्ते शरण्य शिवे नमस्ते जगद्व्यापिकेवेश्वरूपे नमस्ते जगद्वजपारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीताहि दुर्गे नमस्ते Bye.
वंदना रवि Yeah.
शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्त जन तीन बार ओम का रख्य का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पदम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्त जान तीन बार एक साथ ओम का रख्य का नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायते योगिना कामदम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसे अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचियां ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। इन्हीं पदों में स्तोत्रों में जिनका आपने पाठ किया माता जी ने अपने महात्म को प्रकट करते हुए कहा हुआ है, सर्वम ममैतन महात्म्यम मम सन्निधि कारकम पशु पुष्पार्घ धूपेश गंध दीपेस्तोत्तमे ही विप्राणाम भोजनेर होमे प्रोक्षणीय रहनिशम अन्येश विविधेर भोगी पदार्थ वस्त्र प्रीतिर्मे केते शास्त्र सक्य स्वर्दे शोधे शोधम हरति पापानी तथा आरोग्यम गच्छति। माता जी कह रही हैं कि मेरा जो सब महात्म मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है, पशु पुष्प अर्घ धूप दीप गंध आदि उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का
केवल एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। इसलिए सभी भक्तों को श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक श्री दुर्गा सप्तशती जी के विशेष करके इस महात्मा का पाठ अथवा श्रवण अवश्य करना चाहिए। जभी जभी हम भक्तों पर ही नहीं देवताओं पर राजा महाराजाओं पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट का लान पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के लिए दूर किया है। प्राचीन काल में ऋत्वाग नाम के एक महाबुद्धि संपन्न ऋषि थे। उनके जहाँ रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडांत योग में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने उसके याद कर्म इत्यादि सभी संस्कार किए, परंतु जब से उनके यहाँ जो पुत्र उत्पन्न हुआ था ऋषि रोगग्रस्त रहने थे, शोकग्रस्त रहने गए और लोभ ने उनको घेर लिया था। यही हाल पुत्र की माता का था। माता भी रोगग्रस्त रहने लगी, शोक ने उनको घेर लिया और ऋषि विचार करने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि जब से मेरे ये पुत्र उत्पन्न हुआ है मैं रोग ने मुझे घेर लिया है, रोग ने घेर लिया, ऐसा क्या कारण है। और युवावस्था में उस पुत्र ने किसी मुनि पुत्र की भार्या का जो हरण कर लिया, जिससे पिता बड़े दुखी हुए और मन में विचार करने लगे कि पुत्र का ना होना अच्छा है। जो कुपुत्र है वो स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में डाल देता है और वे प्राणी धन्य हैं जिनके यहाँ बुद्धि संपन्न पुत्रों का जो होना होता है, क्योंकि पुत्र से जो जश नष्ट हो जाता है, लौकिक परलौकिक दोनों जो दुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार व्यर्थ भोजन से जो दिन बेकार चला जाता है, कुलटा पत्नी से जीवन व्यर्थ चला जाता है, इसी प्रकार कुपुत्र से भी जो है वो जीवन व्यर्थ चला हो जाता है। और इस प्रकार तंग आकर के उन्होंने एक दिन ज्योतिष शास्त्र में निष्णात गर्गाचार्य जी को बुलाया, उनकी सेवा की, उनको आसन दिया, चरण धोए और उनसे प्रार्थना की कि महाराज क्या कारण है जब से मेरे ये पुत्र उत्पन्न हुआ है मैं दुखी रह रहा हूँ। मैंने विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके विद्या अध्ययन किया, गुरु की सेवा की, पंच यज्ञ का अनुष्ठान किया और फिर मैंने नरक से बचने के लिए पुत्र को उत्पन्न किया, गर्भाधान संस्कार किया, ना कि वास्ता दुख सुख के लिए। फिर ये किस प्रकार मेरे दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ, ये मेरे दोष के कारण है, कुल के दोष के कारण है अथवा माता के दोष के कारण है। गर्गाचार्य ने विधि पूर्वक ज्योतिष पर जो विचार किया और बताया कि महाराज ये ना आपके दोष के कारण है, ना माता के दोष के कारण है और ना ही कुल के दोष के कारण है। ये रेवती नक्षत्र का जो अंतिम भाग है गंडांत योग, इसमें जन्म लेने के कारण आपको दुख हो रहा है। इसलिए सभी दुर्गतियों का नाश करने वाली दुर्गा माता जी की आराधना कीजिए, ये बुद्धि संपन्न हो जाएगा और आपको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा सुन करके ऋषि मूर्छित हो गए और उन्होंने झट से रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया कि तू आकाश से गिर जा। और रेवती नक्षत्र देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत गिर गया, जिससे कुमुद पर्वत सुंदर हो गया और उसे रेवती पर्वत की संज्ञा प्राप्त हुई। तब ऋत्वाग ऋषि ने विधि पूर्वक दुर्गा माता की आराधना की, जिससे उनका पुत्र बुद्धि संपन्न हो गया और ऋषि सुखी हो गए। कहने का तात्पर्य यही है कि जभी जभी हम भक्तों पर कोई संकट काल आन पड़ा है, उस समय ही हमने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महान सरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ माँ हाथ पाड़ी पाद प्राकृत रूप से विराजमान गणपति जी महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवल रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे
कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐन के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं, केवल ऐन यंग अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ऐन के आगे ओम और पीछे लगा करके ऐन को संपूर्ण करके इस वाग बीज को, सरस्वती महाराज के वाग बीज को संपूर्ण करके ओम द्वारा ओम ऐं ओम इसका जाप करने से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं कि बीरबल जी महाराज महाबुद्धि संपन्न थे और वो केवल इसी का जाप करते हुए जो पान की दुकान करते थे, जाप करते रहते थे और इसी के बल पर वो आगे आने वाली पूर्व घटनाओं का जो जो उनका उनको स्मरण हो जाता वो जान जाते थे। हरिंग के कारण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश वेश में समृद्धिमान प्राप्त होता है और क्लिंग के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है। आपके शत्रुओं का रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इस निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्तगण तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे। 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 सचिया ज्योतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा भोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में सुन जो माता प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा भोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से अपनी मधुर बैंड प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा शिरवली दल बोल सच्चे दरबार की जय। फूल बख्श मेरी माता कमाए मैंने दिल विच सोच विचारे ना रज
सब मतलब दे या निकल गए जिना ने मैनू मोया सब मतलब दे या निकल गए जिना ने मैनू मोया सब मतलब दे यार निकल गए जिना ने मैनू मोया सब मतलब दे यार निकल गए जिना ने मैनू मोया झूठे जगनू छटके मैया मन चरना नल लाया प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंदर जयकारा शिरोमणि जी का सच्चे दरबार की जय कहीं राम देखे कहीं श्याम देखे कहीं राम देखे कहीं श्याम देखे कहीं राम शेरों वाली का है जब देवो नाम
अभियान प्रस्तुत कर रहे हैं यशपाल। जय कर श्री रामनि का, बोल सच्चे दरबार की जय। लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया, लगाओ मात चरणों में जमाने का सताया। का सताया हूँ।
सच्चे दरबार की जय। ओम सिंहस्ता शशि शेखरा मरकत सखे चतुर्भिर्भुजे शंखं चक्रधनुशरांश्च दधति नेत्रेऽस्तिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहार कंकण रण काञ्चीरनन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला सच्या ज्योतावली माता शेरवाली जीदा बोले सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतान् पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ जज्ञे वितेन तं तन्वं वर्धयस्य सत्याः सन्तु जजमानस्य कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव श्रीर्वक्षस्य आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकार शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तगण उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंत पर स्वर आरती लिखी हुई है, सामने दीवार पर भी आरती लिखी है, सभी बोलिए। ओम जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामा गौरी भैया जय मंगल करनी भैया जय आनंद करनी तुम को निज दिन जावत भैया जी को निज दिन जावत हरि ब्रह्मा जी हरि। ओम जय Oh,
करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, फिर बोलो जय माता दी, हरे बेला जय माता दी, जय बेला जय माता दी, हाथ बेला जय माता दी, आप बुला प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वमंगल मंगल्ये, सर्वमंगल मंगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
श्री प्यारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। खड़गम चक्र देश चोलम शुंडिम चिरा शंखम सन्दर सर्वांगभूषाता नीला शोधे महाकालिका या मस्तो हरो कमल अंतम मधुकेतम अक्षर सर्पर
దండం శక్తిమజం చర్మజనయం ఘంటాసురావాజనం శూలం పాదకులక్షణ చదవతి హస్తే ప్రసన్నానం సేవే దేవోదని లక్ష్మీ సరోజస్థిత ఘంటా శూలహలాది శంఖముదరే చక్రం ధనుసాయకం హస్తాభేదేకరాంతవిరస శ్వేతాశుల్య ప్రభా గౌరీ దేహ సముద్భవాంత్రిజరుత ఆభార భూతామా పూర్వామత్ సరస్వతీ మనుభజే శుంభాభిజాని త్వమేవ మాతా చపితా త్వమేవ త్వమేవ బంధో సఖా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా జగదం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం శాంతాకారం భుజగ శయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి నిర్జాన సంగం వందే విష్ణు భగవానం సర్వలోకైకనాథం అద్భుతం కేశవం రామనారాయణం శ్రీకరం మాధవం గోపిగా వల్లవం జానకి కార్యక్రమం శ్రీకాంతం హరే మురారే మధుకేతవారే గోవింద గోపాల హే మై మేరీ సచ్చియా జ్యోతా వాళీ మాతా తేరీ సదా పంచ పురా రాణీ మాతా తేరీ సదా సర్వత్రా భలా కరణ వాళీ మాతా తేరీ సదా సారే సంసార మే శాంతి దేనే వాళీ మాతా తేరీ సదా లోంకడా భీడ ఢాకో తేరీ సదా बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जाओ धर्म की जाओ धर्म की जाओ अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भाव हो प्राणियों में सद्भाव हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का विनाश हो विश्व का विनाश हो विश्व का विनाश हो भारत वर भार हो भारत वर भार हो भारत वर भार हो बोलो हर 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 बाबा जी की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मंत्र एवं विराज नमन करो मशेरावाली दा बोलो सच्चे दरबार की जय। आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय।